आईएएस का बीपीएससी संपादकीय है, इसको देखेंगे। बिहार में बाढ़ प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है? तो सबसे पहले हम लोग भूमिका देखेंगे, ठीक है। जब नदी या वर्षा जल मानव बस्तियों एवं आमतौर पर सूखी रहने वाले भूमि पर पहुंच जाती है तो इसे जलीय आपदा को बाढ़ कहा जाता है। सिंपल सा प्रश्न है, जब नदी, ठीक है, जब नदी जो होगा, ठीक है, अपना स्तर को छोड़कर, ठीक है, नदी जब अपने स्तर को छोड़कर सूखी स्तर पर जब उसका पानी पहुंच जाए तो इस आपदा को मतलब क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। भारत में लगभग 12% क्षेत्रफल बाढ़ से प्रभावित है, वहीं बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 73% यानी 68,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, ठीक है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 68,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है सब बाढ़ से मतलब क्या है? प्रभावित है, ठीक है। ये आपका भूमिका हो गया। किसी भी प्रश्न को लिखने से पहले भूमिका लिखे, मतलब उस प्रश्न का बताया इसमें मतलब क्या चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं बिहार में बाढ़ की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में से एक है। उत्तरी बिहार के 76% जनसंख्या बाढ़ से तीव्र रूप से मतलब प्रभावित होती है, ठीक है। भारत में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 16% भाग तथा भारत के कुल प्रभावित जनसंख्या का 22% जनसंख्या बिहार से आता है। अब उत्तरी बिहार का 76% जनसंख्या जो है क्या होता है? बाढ़ से मतलब क्या होता है? प्रभावित होता है। अगर भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का परसेंटेज वाइज अगर बात करें, प्रतिशत वाइज बात करें, 16% भाग जो है भारत में, ठीक है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है बिहार से ही आता है, और उसमें से 22% जनसंख्या जो है से मतलब बिहार से मतलब आता है, जो कि मतलब बाढ़ से मतलब क्या है? प्रभावित जनसंख्या है, ठीक है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, 19-20 में 1,49,00,000 जनता बाढ़ से प्रभावित हुई है, ठीक है। तो कितनी जनता बाढ़ से प्रभावित हुई है? ठीक है, तो 1,49,00,000, लगभग 1.5 करोड़ जनता जो है बाढ़ से प्रभावित हुई है, जिसमें से 300 लोगों की जान गई और लगभग 447 करोड़ रुपए की मतलब फसल मतलब बर्बाद हो गई, ठीक है। तो ये डाटा है, प्रश्न में कहीं कहीं ना कहीं एक से दो जगह डाटा जरूर लिखे, ठीक है, जो भी डाटा आपको याद हो। हाँ, डाटा अगर आपको याद हो तो ही लिखे, अगर डाटा याद ना हो तो इसकी स्किप करने की, गलत डाटा लिख करना हो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 2019-20 की आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे तो 1,49,00,000 जनता जो थे बाढ़ से मतलब क्या हुई? प्रभावित हुई है लोग, जिनमें से 300 लोगों की जान भी गई और 447 करोड़ रुपए की मतलब फसल जो है बर्बाद हो गई। वर्ष 2021-22 में 19 जिला बाढ़ प्रभावित थे, जिसके कारण 727 करोड़ की फसल मतलब बर्बाद हुई, लगभग 32.82 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ, 62 लोगों की मतलब क्या गई? जाने गई। 21-22 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बिहार में अगर बाढ़ अगर आ रही थी, बिहार में बाढ़ के लिए मुख्य उत्तरदायी, ठीक है, मुख्य रूप से निम्न कारण उत्तरदायी है। कौन कौन सा कारण उत्तरदायी है बिहार में बाढ़ के लिए, उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो भारी वर्षा सबसे पहला कारण क्या है? भारी वर्षा, भारी वर्षा होने की वजह से नदी जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी जल स्तर ऊपर आ जाने के आसपास के क्षेत्रों में पानी फैल जाता है। जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा वर्षा होगी तो नदी में मतलब क्या होगा? जल की मात्रा अधिक होगी या नदी अपने उफान पे आएगी, तो उसका जो वर्षा जो का उसका जो जल जो है आसपास के क्षेत्रों में क्या होगा? फैल जाएगा, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बिहार में जून सितंबर के छोटी अवधि में तीव्र वर्षा बाढ़ का कारण बनता है। जून से सितंबर के छोटी अवधि, जो कि मानसून का समय जो होता है, जून में मुख्यतः मानसून आती है, तो जून से सितंबर के छोटी अप्रैल छोटी अवधि में तीव्र वर्षा बाढ़ का कारण बनता है। आप देखेंगे तलछट में जमाव, हिमालय की नदियां बड़ी मात्रा में अवसाद लाती है, जिससे नदी चैनल में जल धारण क्षमता कम हो जाती है। अवसाद मतलब पानी के बहाव को मतलब रोक देता है, जिसके कारण भारी मात्रा में पानी का अति प्रभाव होता है, जो बाढ़ का मतलब कारण होता है। उदाहरण के लिए गंगा, कोसी आदि नदियां, ठीक है, तो ये सारे के सारे नदी जो है, हिमालय की नदियां बड़ी मात्रा में अवसाद लाती है, जिससे नदी चैनल में जल धारण क्षमता मतलब क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब जैसे देखेंगे अवसाद लाने का मतलब क्या, हिमालय से जो लाने वाली जो नदी जो अपने नीचे ना बहुत सारा ना पूरा क्या बोलते हैं उसको, जैसे आपके घर में समझिए एक बाल्टी ले लीजिए, ठीक है। अब बाल्टी में आप क्या करो ना, नीचे मिट्टी से उसका कुछ भाग को मतलब पैक कर दो, तो बाल्टी जो 15 लीटर का जो बाल्टी है, अब उसमें कितना 12 लीटर ही पानी अटेगा, क्योंकि नीचे का कुछ भाग आपने भर दिया है, ठीक है। लेकिन 15 लीटर पानी का उसका क्षमता है, अगर उसमें डालेंगे तो 3 लीटर पानी बाहर आएगा ना, तो ये नदी क्षमता का नीचे गाढ़ बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके वजह से उसका जल धारण क्षमता क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब जल धारण क्षमता जब कम आ जाएगा तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आप देखोगे उसकी जो नदियां की जो पानी जो थी वो मतलब बाहर मतलब आना मतलब शुरू हो जाएगी, ठीक है। समझ गए, गाद समझ में आया, सिंपल सा मैंने एक एग्जाम्पल दिया, उससे चीजों को समझ जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
इस वजह से, खास के गंगा कोसी आदि जो नदियां जो है हिमालय की नदी है यही से होती है। अब यहाँ पे देखेंगे नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो जाना भी मतलब बाढ़ का कारण है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने युवा अवस्था में है, ठीक है, अतः समयावस्था की परिच्छेदिका को प्राप्त न होने के कारण एवं अपनी घुमावदार प्रकृति के कारण अपने मार्ग बदलने लगती है, ठीक है। तो ये अपना जो मार्ग जो बदलने लगती है, जो विनाशकारी बाढ़ मतलब क्या करती है, पैदा करती है, नदी मार्ग परिवर्तन या अन्य कारण, नदी जल का तीव्र बहाव, ठीक है, अपवास, भूकंप आदि भी है, ठीक है। तो मतलब नदी जल का तीव्र बहाव, ठीक है, अपवास या फिर भूकंप आने के कारण भी नदी का मतलब क्या होता, मार्ग में मतलब क्या होता, परिवर्तन होता है, ठीक है। तो नदियों का मार्ग परिवर्तन, ठीक है, बाढ़ आने का प्रमुख कारणों में से एक है। आप देखिए भूस्खलन, भूस्खलन हम लैंडस्लाइड के नाम से जानते हैं, हिमालय क्षेत्र में बाढ़ के प्रमुख कारणों में भूस्खलन एक प्रमुख कारण है, ठीक है। भूस्खलन के कारण नदी मार्ग में बाधा उत्पन्न होने से बाढ़ की स्थिति बन जाती है। उपर्युक्त प्रमुख कारणों के अलावा नदी क्षेत्र में अतिचार, वनों की अत्यधिक कटाई, ड्रेनेज सिस्टम से हस्तक्षेप बिहार में बाढ़ का मतलब प्रमुख कारण बना है, ठीक है। अब नदी का जो क्षेत्र है वहां के आसपास के आपने क्या किया, आपने आसपास के मतलब क्या किया, पेड़ को काट दिए, वनों की अत्यधिक कटाई कर डाली, ठीक है। नदी क्षेत्र में बात करेंगे तो उसमें मतलब के बांध बना दे जाना, ठीक है। तो बांध बना देना भी एक तरह का मतलब मानव निर्मित बाढ़ का कारण है, ठीक है। बांध बना के हम लोग बांध का तो बहुआयामी उपयोग तो है, लेकिन बांध में बहुत अधिक पानी को जब आप स्टोक करके रखोगे, अब कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से कभी कुछ ऐसा हो कि सडन मतलब क्या हो, मानव निर्मित कारणों से बाढ़ अगर टूट जाए तो क्या होगा, तो वो तो ऐसा बांध ऐसा बाढ़ लेकर आएगा कि पूरा गांव का गांव मतलब क्या करेगी, दहा देगी, ठीक है। तो नदी अपना जो उनका प्राकृतिक जो विचार है, उनका प्रकृति जो स्वभाव है, नदी को उसी स्वभाव में रहना देना चाहिए, ज्यादा छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे जो मेरा प्रश्न था, बिहार में बाढ़ प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। तो बिहार जैसे बाढ़ प्रबंधन राज्य में जहाँ बाढ़ की बारंबारता अत्यधिक है, बाढ़ प्रबंधन महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है बिहार एवं, ठीक है, प्रौद्योगिक बाढ़ प्रबंधन के हर चरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण अभी हाल फिलहाल में दिवस भी मनाया गया, ठीक है, उसका सेंदाई फ्रेमवर्क बताया था, सेंदाई फ्रेमवर्क 15 से 30 तक है, जापान से संबंधित है। ये अनुशंसा करता है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण, अब आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्या होता है, बाढ़ को हम लोग या फिर भूकंप को हम लोग रोक नहीं सकते, वो आएगा ही, ठीक है, कुछ ऐसे कारण है जिसको रोका नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रकृति को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को कम तो कर सकते हैं। अगर बाढ़ आने वाली है तो जनसंख्या को हम तो ऊंचे स्थान पर शिफ्ट कर सकते हैं, मवेशी को हटा सकते हैं, घर में जो सामान है उसको तो हटा सकते हैं, कि आराम से बैठे हुए रहेंगे से आओ बाढ़, ठीक है, इंतजार तो नहीं करेंगे ना। तो वही आपदा जोखिम न्यूनीकरण का अर्थ यही है, आपदा से जोखिम जो होने वाला उसको कम करे, क्योंकि आपदा के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसकी उसके नुकसान को हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी हर चलन में मददगार साबित हो सकता है। बिहार में बाढ़ प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को हम बाढ़ रूपी आपदा के रूप में निम्नलिखित स्तर पर देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये आपदा न्यूनीकरण से संबंधित सेंदाई फ्रेमवर्क है, जो कि 15 से लेकर 30 तक चलेगी, जो कि जापान का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तीन तरह का चीजों को हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपदा रूपी बाढ़ रूपी आपदा के आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, बाढ़ रूपी आपदा के समय क्या करेंगे, अब बाढ़ रूपी आपदा के बाद क्या होता है, जैसे बाढ़ आने से पहले भी हम लोग को कुछ तैयारी करनी है, बाढ़ जब आ जाए तो भी हमको कुछ तैयारी करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जब होता है बाढ़ के चले जाने पे, जब बाढ़ जब चला जाता है तो बहुत सारे बीमारी, बहुत सारे चीजें मतलब अपने साथ मतलब क्या होता है, छोड़ के जाता है, उसको हमको कंट्रोल किस तरीके से करना है उसके बारे में हमको समझना है। तो बाढ़ रूपी आपदा आने से पहले प्रबंधन में विज्ञान में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका होगी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूर्व चेतावनी प्रणाली का प्रयोग करेंगे, मतलब लोगों को मतलब अलर्ट कर देंगे से आपके क्षेत्र में बाढ़ आने वाला है, ठीक है। तो बाढ़ आने से पूर्व, ठीक है, विभिन्न तकनीक जैसे अंतरिक्ष रिमोट सेंसिंग तकनीक, स्वचालित मौसम स्टेशन, डॉपलर रडार द्वारा बाढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। बाढ़ मतलब ऐसा नहीं, भूकंप नहीं है ऐसी जिसके बारे में पहले से जानकारी नहीं प्राप्त होगी। अगर नदी का जल स्तर बढ़ रहा है तो एक जगह देखेंगे कोई एक ऐसा प्रमुख क्षेत्र होता है जहां से नदी का जल स्तर मापने का यंत्र लगा रहता है, तो उसके बारे में हमको जानकारी पहले से हो जाती है, नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, एक लिमिट जल स्तर बढ़ जाएगा, उसके बाद क्या उसका पानी मतलब क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो बाढ़ के बारे में से हमको जानकारी रहती है, हमको ये भी पता रहता है ये बाढ़ इस गाँव में इतने समय में पहुंच जाएगा। इसी के लिए हम लोग दो तीन तकनीक का प्रयोग करेंगे, जैसे कि दो तीन तकनीक में क्या होगा, अंतरिक्ष रिमोट सेंसिंग तकनीक, स्वचालित मौसम स्टेशन और डॉपलर रडार द्वारा बाढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मतलब हम लोग पहले प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे मौसम अंतरिक्ष उपग्रह, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ठीक है, बेसिक नेविगेशन उपग्रह जिसको GNSS कहते हैं, बाढ़ से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, डेटा एकत्र करने तथा बाढ़ के रोकथाम में मतलब मदद करती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुपर कंप्यूटिंग का उपयोग मौसम का अनुकूलन के साथ साथ बारिश के अनुमान और कार्य के संबंध में पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। अब देखेंगे जैसे बारिश, जैसे मान लीजिए आज से 1 सप्ताह के बाद नदी का जलस्तर एकदम मतलब कंट्रोल पे है, लेकिन बारिश होने वाली है, ठीक है, 1 सप्ताह के बाद, वो तो हमारे मोबाइल पर भी जानकारी पता चल जाती है ना, बारिश होने वाली, बारिश सडन नहीं आती, इसके बारे में कोई जानकारी रहती है? और लगातार 1 सप्ताह तक बारिश होगी तो इससे तो यह अंदाजा लगा सकना ना, नदी का जलस्तर बढ़ेगा, और नदी का जलस्तर जब इतना लिमिट में बढ़ जाएगा तो नदी का मतलब पानी क्या जाएगा, बाहर आएगा, ठीक है, तो उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को अलर्ट कर सकते हैं, आप उस क्षेत्र को छोड़ दे या अपने लिए जरूरी का सामान मतलब क्या करें एकत्रित कर ले, ताकि आपको बाढ़ में आप उसको झेल सके। ध्वनिक रिमोट नियंत्रित नौकाओं का इस्तेमाल नदी जलस्तर के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए मतलब क्या है किया जाता है। तो ये सारे टेक्निक चीजें हैं जो कि बाढ़ रूपी आपदा के आने के प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका होती है। और आपदा में हमको 3 चीजें करनी है, सबसे पहले आपदा बाढ़ आने से पहले की मतलब हमें प्लानिंग करनी है, बाढ़ के समय आपदा के समय मतलब हमको क्या करना है प्लानिंग करनी है, अब बाढ़ जाने के बाद हमको प्लानिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी माध्यम से निर्माण एवं बुनियादी ढांचे का डिजाइन एवं निर्माण में नवीनतम तकनीक का उपयोग करके बाढ़ के पूर्व बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। IT एवं कौशल मीडिया के माध्यम से बाढ़ से पूर्व लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सके, ठीक है, लोगों को भी हम लोग प्रशिक्षण दे सकते हैं बाढ़ से आपको कैसे मतलब बचना है। प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा नदियों में गाद निकासी, गाद जो कि नीचे मतलब वो मिट्टी का एक जमावड़ा जो हो गया, जिससे मतलब नदी का जल धारण क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल से बताया, मान ले बाल्टी में 15 लीटर पानी मरता है, लेकिन उसमें मिट्टी डाल के आधा बाल्टी को जब हम भर देंगे तो उसमें आप 7 लीटर पानी ही हटेगा या फिर 8 लीटर पानी हटेगा, ठीक है। तो वही जो है हिमालय से निकलने वाले नदियों की गाढ़ की वजह से क्या होता है ना, नीचे नीचे जो होता है ना जल, नीचे जो होता है ना एक जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से नदी का जल धारण क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसको खत्म करेंगे, तटबंधों को आपस में जोड़कर बाढ़ की विभीषिका से बचा जाए, तटबंध को आपस में जोड़ देंगे। अब मान लीजिए जैसे कुछ नदी बिहार में है जो कि उसमें बाढ़ आता है, सूखा रहता है, ठीक है, और कुछ नदी जो अपने उफान से चली जाती है, तो उस नदी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो एक नदी में बहुत ज्यादा पानी है, एक नदी में कम पानी है, तो दोनों नदी का पानी क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। तो ये सब भी चीजें जो है वो मतलब बाढ़ के उपयोग हमें सहायता प्रदान कर सकती है, ठीक है। दूसरी बात, बाढ़ के समय प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे बाढ़ रूपी आप, ये तो आने से पहले, ये बाढ़ आने से पहले ये सारी तैयारी करनी है। अब बाढ़ आ गया, बाढ़ आने के समय हम लोग क्या करेंगे, तो बाढ़ जब आ जाएगा तो बाढ़ एवं समय के प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भूमि, अब बाढ़ आ चुकी है तो बाढ़ रूपी आपदा के समय प्रबंधन एवं आपदा की तीव्रता तथा होने वाले नुकसान को कम करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर भी निभा सकते हैं। अब क्या यहाँ पे होगा, ड्रोन टेक्निक के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अवलोकन करेंगे, ड्रोन सिस्टम से, वो ड्रोन उड़ेगा उसे पता चलेगा सब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की क्या स्थिति है, कहाँ पे लोग फंसे हुए हो सकता है, मतलब कुछ लोग जो है नीचे वाला स्थान में फंसे हुए रह गए, वो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, तो पता चलेगा ना यहाँ पे लोग फंसे हुए, तो वहां से हेलीकॉप्टर जाएगा लोगों को वहां से क्या करेगी, टेक ओवर करेगी। पता चलेगा यहाँ पे लोगों को खाने के लिए ही कुछ नहीं है, ठीक है, तो वहां पे मतलब जाकर उनको सहायता पहुंचा सकते हैं। प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री जैसे भोजन, वस्त्र, दवाई आदि पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है, पता चलेगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, संचार उपग्रह, मौसम संबंधी उपग्रह के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को डेटा एकत्र करके बाढ़ के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जा सकता है, ठीक है। ध्वनिक रिमोट नियंत्रित नौकाओं हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाढ़ में फंसे लोगों के बाहर निकालने में भी कार्य मतलब करता है। उसके बाद इंटरनेट एवं संचार, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा, लेकिन दिक्कत क्या होता है, इंटरनेट एवं संचार जो होता है बाढ़ के समय में बहुत अधिक तक बाधित हो जाती है, ठीक है। तो इंटरनेट एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग डेटा प्रसार, निर्णय लेने, सूचना के त्वरित एवं ठीक है प्रभावी प्रसार को सुनिश्चित करने के विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय और निर्वाध में संचार किया जा सकता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए काम किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कोई एक डिपार्टमेंट तो नहीं होगा, जैसे कोई मान लीजिए कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो कि मतलब क्या देखती है, तो स्वास्थ्य सेवा देखती है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो कि लोगों को मतलब क्या करें उनकी जरूरत की चीजें जैसे भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, ये सारी चीजें उपलब्ध करवाएगी, कुछ ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो कि मतलब और भी कुछ चीजें देखेगी, तो उन लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए इंटरनेट एवं सूचना, इंटरनेट एवं संचार प्रौद्योगिकी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है।
आईसीटी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकार और नागरिक समाज द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यक्रम के बारे में जानकारी का प्रसार किया जा सकता है। यदि संचार अवसंरचना क्षतिग्रस्त हो जाती है तो दूर क्षेत्रों में संचार के लिए इंटरनेट उपग्रह का प्रयोग उपग्रह इंटरनेट का प्रयोग किया जा सकता है। अब मान लीजिए मैंने बोला से यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलेगी, रीजन क्या है, नहीं चलेगी, टावर भी मतलब ठप हो जाएगा, तो वैसे कंडीशन में इंटरनेट उपग्रह का प्रयोग करेंगे। आप बोलेंगे इंटरनेट उपग्रह क्या होता है, तो अभी आपने हाल फिलहाल मेरे जैसे एलन मस्क का जो टेस्ट एलन मस्क की जो कंपनी जिसका नाम स्टारलिंक, अभी हाल फिलहाल में देखा इसरो ने मतलब यूके की ठीक है वन वेब को लॉन्च किया। तो वन वेब क्या है, स्टारलिंक क्या है, तो ये सारे के सारे उपग्रह इंटरनेट है, ये दुनिया के किसी भी कोना में काम करेगा। आप अमेजन के जंगल में चले जाएंगे वहां पर भी काम करेगा, ठीक है, अमेजन के जंगल में आपका मोबाइल नेटवर्क नहीं काम करेगा, लेकिन स्टारलिंक से आप कनेक्ट कर लेंगे, वन वेब से अगर कनेक्ट कर लेंगे तो आपका वहां पर भी काम करेगा। किसी भी परिस्थिति में इंटरनेट उपग्रह काम करना बंद नहीं करती है, ठीक है, चाहे महासागर के बीच में हो, अमेजन के जंगल में हो, कहीं भी हो, ठीक है, मरुस्थल में हो, इंटरनेट उपग्रह काम करेगी। जैसे स्टारलिंक हो गया, ठीक है, वन वेव हो गया, तो इसमें इंटरनेट उपग्रह है, लेकिन हम लोग जो मतलब जो उपग्रह जो यूज करते हैं वायरलेस यूज करते हैं, हम लोग जो अपने इंटरनेट हमारा जो है वायरलेस है, ठीक है, हमारा इंटरनेट जो है किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्ट है, ठीक है, ध्यान में, इसको वायरलेस कहा जाता है, बेतार कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। आगे चलेंगे, आपदा प्रभावित आबादी को वितरित की जा रही खाद आपूर्ति को पोषण मूल्य में सुधार के लिए खाद फोर्टिफिकेशन का उपयोग किया जा सकता है। भारत मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से आधुनिक संचार तकनीकों के डेटा का उपयोग करके मौसम की भविष्यवाणी के बारे में जानकारी प्राप्त कर की जा सकती है। मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ मतलब क्या होता है वेदर, तो भारतीय मेट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट के माध्यम से आधुनिक संचार तकनीकों का उपयोग करके मौसम की भविष्यवाणी के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। पहले से हमको चीजें उपलब्ध होगी, कब बारिश होने वाली है, कब नहीं होने वाली, इससे हम लोगों को मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ बाढ़ के समय हम लोग कैसी तैयारी कर सकते हैं, बाढ़ चला गया, अब मेन तो संघर्ष तब निकल कर आता है, नए नए बीमारी का मतलब जन्म होता है बाढ़ के चले जाने के बाद, क्योंकि बाढ़ तो चली जाती है लेकिन अपने साथ मतलब आपदा को लेकर नहीं जाती, बहुत सारी चीजों को छोड़ कर जाती है। तो तीन चरण होता है आपदा के तैयारी का, एक आपदा आने से पहले, एक आपदा के समय और एक आपदा के बाद, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कुछ आपदा को हम लोग पता का भूकंप के पहले से हम तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि भूकंप आने से पहले हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन भूकंप के समय हम आपदा, भूकंप एक ऐसी आपदा है जिसके पहले से, इसमें दो चरण ही आएगा, पहला वाला चरण नहीं आएगा क्योंकि उसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं होती, लेकिन भूकंप के वक्त, अब भूकंप जब खत्म हो जाएगा उस समय क्या हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं वो हम लोग जानेंगे। जैसे भूकंप के समय क्या सिखाया जाता है लोगों को, जैसे खाली स्थानों पर चले जाए, देखें वहां कोई बड़ा पेड़ ना हो, तार वगैरह ना हो, जमीन पर लेट जाए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे जगह पे छिपे जहां पे आपका सर बचा हुआ रहे, अगर घर में भी है तो सिखाया जाता है ना। और जब भूकंप जब खत्म हो जाता है तो मालवा को हटाने के काम करते हैं, कोई लोग जीवित है उसको देखते हैं, मालवा को हटा हटा के उनको मतलब चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। तो ये सब तो क्या है, तो आपदा पे हम लोग पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपदा के न्यूनीकरण कर सकते हैं, उसके मतलब उसके खतरों को मतलब क्या कर सकते हैं, बहुत हद तक मतलब कम कर सकते हैं, ठीक है। बाढ़ रूपी आपदा के प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, ठीक है, देखिए बाढ़ रूपी आपदा के पीछे भयावह प्रभाव छोड़ती है, मतलब बाढ़ चली गई लेकिन उसका प्रभाव जो है काफी अधिक भयावह है, जिनमें जान एवं माल की अत्यधिक नुकसान मतलब क्या होता है, परिलक्षित होता है, ठीक है। बाढ़ आपदा पश्चात बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत सामग्री पहुंचाना, बाढ़ के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों के बचाव के लिए चिकित्सक सुविधा एवं दवाई उपलब्ध करवाना। बाढ़ तो चली गई लेकिन अब असली चैलेंज आएगा कि लोग बहुत अधिक बीमारी से ग्रसित होंगे। और दूसरा बात यह है से अब यहाँ पे क्या होगा ना, लोगों के पास रहने के लिए आवास नहीं है, क्योंकि बाढ़ में उनकी आवास खत्म हो गई, लोगों के लिए खाने के लिए जगह नहीं है, लोगों को सेटलमेंट करवाना इट्स ए बिगेस्ट क्या बोलते हैं चैलेंज है मतलब गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाढ़ के बाद बर्बाद हुए बुनियादी ढांचे के निर्माण प्रौद्योगिकी के माध्यम से तीव्र गति से कार्य करना। अब बुनियादी ढांचा में क्या आएगा, बुनियादी ढांचा में सड़क आएगा, पुल आएगा, पुलिया आएगा, लोगों का आवास आएगा, वायरलेस टावर आ सकता है, ये सब तो बर्बाद हो गया ना। अब उसको मतलब तेजी से मतलब उसको काम करके उसको मतलब फिर से मतलब सुचारू रूप से चालू करना ये सरकार के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा क्या होता है, चैलेंज होता है, केवल गवर्नमेंट के लिए ही नहीं, ठीक है, इसमें मानव भी इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है, बहुत सारी एनजीओ वगैरह मदद करती है, कुछ लोग भी आगे से निकल कर आते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु सरकारी सहायता राशि उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो किया जाएगा, ठीक है, मतलब उसको पुनर्वास के लिए हो सकता है, सरकार बहुत सारी आवास योजना चलाती है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, तो जिनका बाढ़ में घर खत्म हो गया कहाँ से गरीब घर लाएगा, तो उनको लिए उनके उनके सरकार के पास डाटा है, डायरेक्ट चाहेगी तो उनके अकाउंट में पैसा भेजेगी, चलो तुम बना लो कुछ,
ठीक है। इसके लिए सरकार मतलब क्या करेगी, डाटा तैयार करेगी कि किनका किनका आवास खत्म हो गया और बनाने में खुद भी मतलब सक्षम नहीं है। जैव प्रौद्योगिकी बाढ़ के प्रभाव को कम करने में मदद करता है, उदाहरण स्वरूप ठीक है जीएम फसलों का प्रयोग ठीक है, जिसका बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में करके अधिक उत्पादन प्राप्त की जा सकती है। ठीक है मतलब हाई एल्डिंग, ठीक है हाई एल्डिंग मतलब जो होता है जो अधिक उत्पादन देने वाले फसल का प्रयोग करके ठीक है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ठीक है उत्पादन अधिक प्राप्त की जा सकती है। ठीक है जो कि मतलब जल्दी तैयार हो जाए। ठीक है इस प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बाढ़ रूपी आपदा के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शदाई फ्रेमवर्क ने भी स्वीकार किया है कि वैज्ञानिक अनुसंधान आपदा जोखिम पैटर्न आपदा के कारणों में प्रभावों की पहचान करके मदद कर सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीतिगत स्तर पर भी त्वरित निर्माण में मदद त्वरित निर्णय लेने में मदद करता है। त्वरित निर्णय लेने में मतलब तुरंत ठीक है डायरेक्ट एक्शन, ठीक है जल्दीबाजी में एक्शन लेंगे, क्योंकि भाई आपदा के समय आप सोचेंगे बेचारे को तो काम नहीं समझने वाला, क्योंकि आप जिस स्पीड से सोचोगे आपदा उससे 1000 गुना स्पीड से आएगा। ठीक है तो आपको तुरंत निर्णय लेना है, ठीक है आपको जल्दी में मतलब फैसला लेना है, इसके लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या होगा काफी मददगार साबित होता है। बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए ठीक है नदी जोड़ो परियोजना, नदी को जोड़ेंगे जाहिर सी बात है बाढ़ के प्रभाव कम होगा। जैसे कोची मेची लिंक जोड़ दिया गया, कोची मेची लिंक नहर, कोसी घाघरा लिंक, गंडक गंगा नहर आदि में विज्ञान में प्रौद्योगिकी के समुचित प्रयोग से बाढ़ की समस्या को कम किया जा सका है। इसके अलावा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन ठीक है जिसको बोला BSDMA, ठीक है ध्यान में रखेगा BSDMA कहा जाता है, ठीक है जो कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर जागरूकता पैदा करने, संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण की दिशा में विभिन्न पहल की है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ठीक है निरपवाद रूप में उपयोग किया गया है। ठीक है बाढ़ वास्तव में एक प्राकृतिक घटना है और इससे पूरी तरह से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। ठीक है हम लोग चाहते हुए भी पूरी तरह से इसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है, लेकिन मानव संसाधन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ठीक है बेहतर चेतावनी प्रणाली और विभिन्न नियंत्रण उपायों का उपयोग करके उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। वी कांट कंट्रोल ओवर ठीक है एनी डिजास्टर, लेकिन हम उसको कम तो कर सकते हैं ना, हम उससे कंट्रोल नहीं पा सकते हैं लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं। यही आपका बिहार में बाढ़ एक प्रमुख घटना है, घटना नहीं एक प्रमुख आपदा है, इससे बीपीएससी में प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो सिंपल प्रश्न पूछे जाएगा क्योंकि आप अधिकारी बनोगे तो जाहिर सी बात है आपके मन में मैनेजमेंट को लेकर प्रश्न होना चाहिए। इससे अगर बिहार में अगर बाढ़ आ जाए और उस जिला का उस जिला में उस मान लीजिए किसी ब्लॉक में बाढ़ आ जाए और उस ब्लॉक में आप BDO हैं तो जिम्मेवारी आपकी बनेगी ना मैनेजमेंट करना, आपको चीजों को किस तरीके से मैनेजमेंट करोगे, सोए तो नहीं रहोगे आप। केंद्रीय नेतृत्व तो आपको मतलब क्या कर सकती है ऑर्डर ही दे सकती है, लेकिन जिला में तो मुख्यमंत्री आके या फिर जिला मतलब प्रखंड में मुख्यमंत्री आके या फिर मतलब उससे संबंधित मिनिस्टर आके तो काम नहीं करेगा, लोकल स्तर पे तो काम आपको करना है। तो आपके अंतर्गत एक बेसिक वो होना चाहिए सब किस तरीके से चीजों को डील करोगे। तो इसीलिए प्रश्न था बीपीएससी संवाद किए का, कोशिश करेंगे रोज एक तरह का प्रश्न करवा दे इस तरह का जो आप लोग का